गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ या फिर वस्तु हो गया वह दो या तीन अवस्थाओं में पाया जाएगा। गाइस, पहली अवस्था जो उसकी वो रहेगी ठोस, और गाइस उसकी दूसरी अवस्था द्रव रहेगी, और लास्ट वाली अवस्था गैस रहेगी। लेकिन गाइस, क्या आपने सोचा है कि कोई वस्तु ऐसी भी है जो दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी गाइस ठोस और द्रव दोनों में पाई जाती है? गाइस, आप लोगों से अधिकांश लोगों का यही उत्तर होगा, नहीं भाई ऐसा हमने तो आज तक कोई भी वस्तु ही नहीं देखा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। गाइस, मैं आज की वीडियो में आपको वैसी वस्तु दिखाऊंगा। गाइस, जो वैसी वस्तु उसका नाम होता है ओब्लैक नाम होता है। तो गाइस, हम लोग ओब्लैक के साथ करेंगे बहुत ही शानदार सा एक्सपेरिमेंट। गाइस, ओब्लैक की खासियत यह होती है कि वह न ही ठोस होता है गाइस और न ही वह द्रव होता है। अगर उसमें आप लोग इस तरह पंच मारेंगे तो आपका हाथ नहीं जाएगा उसमें। अगर गाइस आप लोग धीरे से अपने हाथ को डालेंगे तो वह आराम चल जाएगा, तब वो द्रव अवस्था में रहेगा। लेकिन गाइस, आप लोग यह डिसाइड नहीं कर पाएंगे वो ठोस है या फिर द्रव है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ओब्लैक के साथ क्या करने वाले हैं कि गाइस हम लोग ओब्लैक को करेंगे हीट, और देखेंगे कि गाइस जब ओब्लैक को एक निश्चित तापमान पे गर्म किया जाता है तो ओब्लैक क्या रिएक्शन करता है, क्या वो ठोस बन जाता है या फिर एकदम द्रव बन जाता है या फिर गैस बनकर उड़ जाता है। तो गाइस, जानने के लिए आप लोग बन रहेगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए गाइस, हम लोग बिना देरी करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो गाइस थैंक्स, लव यू फॉरएवर। तो गाइस, देखिए क्या होता है जब ओब्लैक को गर्म किया जाता है। तो तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का हमारा यह वाला वीडियो? अगर गाइस आपको आज की हमारी यह वाली वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और गाइस हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में।
अगले और किसी बेहतरीन और शानदार से एक्सपेरिमेंट के साथ।